हेलो दोस्तों, फ्री कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं ड्रीम केक की रेसिपी आपके साथ शेयर करने आई हूँ। ड्रीम केक, इसको आप फ्रेरो रोशर या फिर नटेला ड्रीम केक कह सकते हैं। यहाँ पर हमने ड्रीम केक को एक नहीं, दो नहीं, फाइव लेयर के साथ कवर किया है। हम यहाँ पर आपके साथ ड्रीम केक की जो रेसिपी शेयर करने वाले हैं वह एक ही ड्रीम केक के लिए है। फ्रेरो रोशर यानी कि नटेला ड्रीम केक जैसा कि आपको मार्केट में देखने को मिलता है, वैसी ही रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है। तो चलिए देर किस बात की है, फ्रेरो रोशर ड्रीम केक की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। फ्रेरो रोशर या फिर नटेला आप कुछ भी कह सकते हैं। ड्रीम केक बनाने के लिए मैं ले रही हूँ आधा कप चॉकलेट प्रीमिक्स। चॉकलेट प्रीमिक्स आप कोई सी भी ब्रांड का ले सकते हैं। जितनी हमारी केक की एक लेयर होती है उसी लेयर के हिसाब से यहाँ पर मैंने आधा कप प्रीमिक्स लिया है। केक बेस की पतली लेयर न रखते हुए अगर आपको केक बेस की मोटी लेयर रखनी है तो आपको लेना है 3/4 कप चॉकलेट प्रीमिक्स। आप घर की मैदा से भी केक बेस बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके ड्रीम केक में मार्केट जैसा फ्लेवर बनकर आए तो इसके लिए आपको लेना है प्रीमिक्स। आप मार्केट जैसा चॉकलेट केक प्रीमिक्स घर पर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब मैं इस प्रीमिक्स में डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच फ्लेवरलेस सनफ्लावर ऑयल। ऑयल को स्किप करके आप यहां पर 1 बड़ा चम्मच अमूल बटर या फिर आधा ऑयल और आधा बटर ले सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूं रूम टेम्परेचर पर दूध। मैं इसमें 2 बड़े चम्मच दूध डाल रही हूं। मिक्स करने के बाद मुझे लगेगा कि दूध कम है तो मैं इसमें दूध और डालूंगी। केक बेस में क्रंची फ्लेवर देने के लिए मैं डाल रही हूं बारीक चॉप्ड करके रोस्टेड हेजलनट्स। हेजलनट को हल्का सा रोस्ट करके उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देने। यहाँ पर मैंने 10 हेजलनट्स को चॉप्ड करके लिया है। अब मैं इन सबको हैंड विस्क से अच्छी तरीके से करूँगी मिक्स। मिक्सिंग अच्छे से करनी है, जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी केक बेस भी उतना ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। अगर आपके पास रेडीमेड प्रीमिक्स है या फिर घर का बना हुआ प्रीमिक्स रखा है तो आप बने हुए प्रीमिक्स से झटपट केक बेस बनाकर तैयार कर सकते हैं। मार्केट में जितनी भी केक बेकरी होती है सब जगह पर प्रीमिक्स यूज होता है। प्रीमिक्स से बना हुआ केक बेस खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है। मिक्स करने के बाद मुझे इसमें थोड़ा दूध कम लग रहा है, मैं इसमें थोड़ा सा दूध और डालूंगी। दूध की जगह आप पानी ले सकते हैं, लेकिन दूध से बेस में अच्छा कलर बनकर आता है। किसी प्रीमिक्स में दूध या पानी कम लगता है तो किसी में ज़्यादा लगता है, ये आपको अपने अंदाजे से करना है। दूध को मिक्स करते हुए आपको प्रीमिक्स का स्मूथ बैटर बनाकर तैयार करना है। जैसे चीले और डोसे के बैटर की कंसिस्टेंसी होती है, वैसे ही कंसिस्टेंसी आपको प्रीमिक्स से बने हुए बैटर की रखनी है। ये देखिए, मैंने प्रीमिक्स से स्मूथ बैटर बनाकर तैयार कर दिया है। स्मूथ बैटर बनाने के लिए मुझे 3 से 4 बड़े चम्मच दूध लगा है। आप हमारे केक बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इस टाइप की कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर आपके पास वनीला प्रीमिक्स है, चॉकलेट प्रीमिक्स नहीं है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। वनीला प्रीमिक्स में आपको मिलाना है 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर। कोको पाउडर मिलाने से आपका चॉकलेट प्रीमिक्स बनकर तैयार हो जाएगा। केक बनाने के लिए मैं ले रही हूँ गोल्डन ड्रीम केक टिन। इस टीन के ऊपर ढक्कन भी आता है, ढक्कन में आपको लगाकर दिखाती हूँ। ड्रीम केक टीन जहाँ पर आपको केक बनाने का सामान मिलता है वहाँ पर मिल जाएगा, नहीं तो फिर आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा। टीन के साइज का कट करके आपको इसके अंदर लगाना है बेकिंग पेपर या फिर पार्चमेंट पेपर। ये मेरा टीन 5x3 इंच का है, यह 7 इंच में भी आता है, आप कोई सा भी साइज ले सकते हैं। अब मैं अपने पार्चमेंट पेपर के ऊपर लगाऊंगी हल्का सा ऑयल। अगर आप बेकिंग पेपर यूज कर रहे हैं तो आपको ऑयल नहीं लगाना है। यहाँ पर मैं पार्चमेंट पेपर यूज कर रही हूँ इसलिए मैं इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा रही हूँ। ऑयल को पेपर के ऊपर अच्छी तरीके से चारों तरफ लगाना है। ड्रीम केक बेस बनाने के लिए आपको अलग से मोल्ड लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने इसी टीन में केक बेस बनाऊंगी और इसी में ही ड्रीम केक बनाकर तैयार करूंगी। पार्चमेंट पेपर के ऊपर अच्छी तरीके से ऑयल लगाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ केक बैटर। दोस्तों, आजकल बहुत सारी ऑनलाइन कुकिंग एंड बेकिंग क्लासेज चल रही है जिसका आपको पेड करना होता है, लेकिन वे सभी क्लासेज आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर एकदम फ्री देख सकते हैं। उन सभी क्लासेज को देखने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं करना है। टीन में बैटर डालने के बाद मैं इसको चारों तरफ को फैलाते हुए एकसार कर रही हूँ। अगर आपका ड्रीम केक टीन 7 इंच का है तो आपको अपनी रेसिपी को डबल कर देना है। बैटर को एकसार करने के बाद अब मैं इसको बेक करने के लिए रख रही हूँ। आपको अपने OTG के साइज के हिसाब से इसको बेक करना है। छोटे साइज के OTG में आपको इसे 140 डिग्री टेम्परेचर पर 15 से 20 मिनट के लिए बेक करना है। बड़े साइज के OTG में 150 डिग्री टेम्परेचर पर मैं इसको 20 मिनट के लिए बेक करूंगी। टाइम कम या ज़्यादा हो सकता है। बेस के बेक हो जाने के बाद ही आपको अपने केक बेस को OTG में से बाहर निकालना है। टीन को सेंटर रैक पर रखते हुए ऊपर की ग्रिल बंद और नीचे की ग्रिल चालू रखनी है। सेम टेम्परेचर और सेम टाइम के साथ आप इसे माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पर बेक कर सकते हैं।
बेस के बेक हो जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारा ड्रीम केक बनाने के लिए केक बेस की लेयर बनकर तैयार हो गई है। मुझे इसे बेक करने में 20 मिनट का समय लगा है। बेस के बेक हो जाने के बाद मैं इसको एक साइड में रखूँगी ठंडा होने के लिए। बेस के ठंडा हो जाने तक मैं इतने गनाश बनाकर तैयार करूँगी। गनाश बनाने के लिए आपको लेना है 2 बड़े चम्मच अमूल क्रीम या फिर मेल्ट व्हिपिंग क्रीम या फिर घर की मलाई। अगर आप घर की मलाई ले रहे हैं तो उसमें कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं होममेड अमूल क्रीम यूज कर रही हूँ जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्रीम को मैं कर रही हूँ लो फ्लेम पर हल्का सा गर्म। आधा मिनट लगातार हिलाते हुए मैं इसको गर्म करूँगी। क्रीम के गर्म हो जाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई मिल्क चॉकलेट। मिल्क कंपाउंड चॉकलेट आप कोई सी भी ब्रांड की ले सकते हैं। मिल्क चॉकलेट और क्रीम को करना है आपस में मिक्स। गैस की फ्लेम लो रखनी है, लगातार हिलाते रहना है। लो फ्लेम पर चॉकलेट को मेल्ट करने के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया है। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच नटेला। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नटेला 1 से 2 बड़े चम्मच ले सकते हैं। अगर आपको अपनी गनास का फ्लेवर बाजार जैसा ओसम रखना है तो इसमें डालना है कोको बटर। कोको बटर से आपकी गनास में जो फ्लेवर बनकर आएगा वह बहुत ही ज़्यादा सुपर रहेगा। 1/2 बड़ा चम्मच कोको बटर लेना है। बटर को स्किप करके आप अमूल बटर ले सकते हैं। अगर आपको अपनी गनास में अच्छा रिजल्ट देखना है तो आपको लेना है कोको बटर। कोको बटर आप कोई सी भी ब्रांड का ले सकते हैं। यह आपको जहाँ पर केक बनाने का सामान मिलता है वहाँ पर या फिर ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा। गनास आपकी फ्रिज में रखने के बाद भी लूज रहे, हार्ड ना हो, इसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 बड़ा चम्मच लिक्विड ग्लूकोस। चम्मच को गीला या फिर चिकना करके लिक्विड ग्लूकोस को डिब्बे में से बाहर निकालना है। गनास के फ्लेवर को सुपर यम्मी करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप्ड करके रोस्टेड हेजलनट्स। यहाँ पर मैंने 10 हेजलनट्स को एकदम बारीक चॉप्ड कर लिया था। लिक्विड ग्लूकोस से आपकी गनास में शाइनिंग बनी रहेगी। गनास में यूज होने वाले सभी इंग्रेडिएंट्स को पैन में डालने से पहले मैंने गैस को बंद कर दिया था। ऐसा करने से चॉकलेट जलने की नहीं है। इन सबको मिक्स करने के बाद अब मैं गैस को ऑन कर रही हूँ। गैस को ऑन करके मैं अपने इस गनास को 1/2 मिनट के लिए हल्का सा कुक करूँगी। लो फ्लेम पर 1/2 मिनट गनास को कुक करने के बाद मैं कर रही हूँ गैस को बंद और इस गनास को करूँगी एक बाउल में। गनास को बाउल में करके मैं इसको रूम टेम्परेचर पर आने दूंगी। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी तब मैं इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रखूँगी। फ्रिज में आपको इसे 15 से 20 मिनट के लिए रखना है। गनास को बाउल में करने के बाद मैं इसे रूम टेम्परेचर पर आने दूंगी। उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रखूंगी थोड़ी देर के लिए। अब मैं ड्रीम केक के लिए मूज बनाकर तैयार करूंगी। मूज बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1/3 कप नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम आपकी एकदम मेल्ट और ठंडी होनी चाहिए। व्हिपिंग क्रीम के स्टिफ पीक बनने तक इसको फैटना है। गर्मी के मौसम में आपको अपनी व्हिप क्रीम को एसी रूम में या फिर आइस के ऊपर रख करके इसको फैटना है। व्हिपिंग क्रीम को फैटने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। यह देखिए स्टिफ पीक वाली कंसिस्टेंसी के साथ हमने व्हिप क्रीम को फैट लिया है। व्हिपिंग क्रीम को फैटने के बाद मैं इसे फ्रिज में रखूंगी जिससे हमारी व्हिपिंग क्रीम ठंडी रहे। व्हिपिंग क्रीम से मूज बनाकर तैयार करूंगी, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। मूज बनाने से पहले व्हिपिंग क्रीम हमारी ठंडी रहे इसलिए मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ। ये देखिए नटेला फ्लेवर में हमारी गनास पूरी तरीके से रेडी है। गनास के रूम टेम्परेचर पर आ जाने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, आपकी गनास की कंसिस्टेंसी एकदम स्मूथ होनी चाहिए। अलग अलग ब्रांड की चॉकलेट का टेक्सचर अलग अलग होता है। अगर आपकी गनास थोड़ी सी भी हार्ड होगी तो आपको क्या करना है, आपको इसमें थोड़ा सा नटेला या फिर थोड़ी सी क्रीम मिलानी है। ऐसा करने से आपकी गनास स्मूथ कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। जिस बेस को हमने बनाकर तैयार किया था वह पूरी तरीके से रूम टेम्परेचर पर आ गया है। केक बेस को मोल्ड में से निकालने से पहले इसके किनारों को चाकू से अलग करना है। किनारों को अलग करने के बाद मैं बेस को निकाल रही हूँ टीन में से बाहर। इसके अंदर हमने जो पेपर लगाया था उस पेपर को मैं इसके ऊपर से हटा रही हूँ। पेपर को हटाने के बाद आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्पोंगी बेस बनकर तैयार हुआ है। अब मैं अपने इस बेस को वापस टीन में रखूंगी। बेस को सीधा नहीं रखना, उल्टा करके रखना है। बेस की सोकिंग करने के लिए मैं ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच गर्म दूध। इस गर्म दूध में मैं डालूंगी 1 बड़ा चम्मच गनास। गनास और दूध के मिक्सचर से जब मैं बेस की सोकिंग करूंगी तो बेस में एक अच्छा सा फ्लेवर बनकर आएगा। गनास और दूध को करना है आपस में मिक्स। गनास और दूध के आपस में मिक्स हो जाने के बाद अब मैं बेस के ऊपर इसकी सोकिंग कर रही हूँ। ड्रीम केक बनाने के लिए बेस को गीला करना यानी कि सोकिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गनास और दूध वाले सारे मिक्सचर को मैं बेस के ऊपर डाल करके इसकी सोकिंग करूँगी। इस मिक्सचर में आपको छोटे छोटे लम्स दिखाई दे रहे होंगे, ये हमारे हेजलनट के पीसेज हैं जिसको हमने गनास बनाते समय डाले थे।
ये देखिए हमने बेस की सोकिंग कर दी है। हमने जो गनाश बनाकर तैयार की थी उस गनाश को करना है आइसिंग बैग में फिल। आइसिंग बैग में फिल करने के बाद अब मैं इसके टॉप पॉइंट को कट करूँगी। जितना हम ऊपर से कट करेंगे उतनी ही लेयर हमारी गनाश की बनकर आएगी। यहाँ पर मैं आधा सेंटीमीटर के करीब आइसिंग बैग को कट कर रही हूँ। आइसिंग बैग के टॉप पॉइंट को कट करने के बाद मैं बेस के ऊपर गनाश की लेयर दूंगी। ड्रीम केक बनाने के लिए हमें गनाश की मोटी लेयर नहीं रखनी है, पतली सी लेयर रखनी है। पतली लेयर को ध्यान में रखते हुए आपको आइसिंग बैग को कट करना है। जितने ज़्यादा कट करोगे लेयर भी उतनी ही ज़्यादा मोटी बनकर आएगी। गनाश को बेस के चारों तरफ गोल गोल लगाते हुए चारों तरफ लगाना है, जिससे गनाश की एक पतली सी लेयर बनकर आ जाए। गनाश लगाने के बाद मैं स्पैचुला से इसको एक्सार कर रही हूँ। ये देखिए बेस के ऊपर गनाश की लेयर तैयार हो गई है। जिस व्हिपिंग क्रीम को हमने फैट कर रखा था वह पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी है। आइसिंग बैग में जितनी भी बची हुई गनाश है उस गनाश को मिलाना है व्हिपिंग क्रीम में। व्हिपिंग क्रीम और गनाश को करना है आपस में मिक्स। इन दोनों के मिक्स हो जाने के बाद यहाँ पर हमारा फेरेरो रोसर यानी कि नटेला मूज बनकर तैयार हो जाएगा। मूज हमारी रेडी हो गई है। जिस आइसिंग बैग में मैंने गनाश को फिल किया था उसी आइसिंग बैग में मैं इस मूज को फिल करूँगी। मूज को आइसिंग बैग में फिल करने के बाद मैं इसको आगे से थोड़ा सा और कट कर रही हूँ, क्योंकि हमें ड्रीम केक में मूज की मोटी सी लेयर देनी है, इसलिए इसको थोड़ा सा आगे से और कट करना है। अब मैं इसकी मोटी सी लेयर देते हुए गनाश के ऊपर सारे मूज को चारों तरफ लगाऊंगी। दोस्तों इस रेसिपी को देखने के बाद आपको हमारी फेरेरो रोसर ड्रीम केक की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस रेसिपी की वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस रेसिपी को देखने के बाद अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मूज की लेयर को स्पैचुला से करना है चारों तरफ को एक सार। ड्रीम केक को तीन लेयर के साथ कवर करने के बाद अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ मेल्ट मिल्क कंपाउंड चॉकलेट। 50 ग्राम चॉकलेट यानी कि एक चौथाई कप मेल्ट मिल्क चॉकलेट लेनी है। मेल्ट मिल्क चॉकलेट को डालना है मूज के ऊपर। मेल्ट मिल्क कंपाउंड चॉकलेट को मूज के ऊपर डालने के बाद मैं इसे चारों तरफ को हिलाते हुए चारों तरफ को फैलाऊंगी। आपको अपने मूज की लेयर को मिल्क चॉकलेट से पूरी तरीके से कवर करना है। ड्रीम केक बनाने के लिए चॉकलेट आप कोई से भी अच्छे ब्रांड की ले सकते हैं। फोर्थ लेयर कवर करने के बाद अब मैं इसके ऊपर गार्निशिंग करूंगी। गार्निशिंग करने के लिए मैं ले रही हूँ ब्राउन राइस क्रिस्प। यहाँ पर मैंने ब्राउन राइस क्रिस्प लिए हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं गार्निशिंग करने के लिए। थोड़े से ब्राउन राइस क्रिस्प को डालना है बीचों बीच सेंटर में। अब मैं ले रही हूँ रोस्टेड हेजलनट्स, जिनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। हेजलनट्स को मैं डाल रही हूँ किनारे किनारे पर, चारों तरफ किनारों किनारों पर हेजलनट्स डालते हुए मैं ड्रीम केक की गार्निशिंग करूँगी। दोस्तों यहाँ पर हमने फेरेरो रोसर यानी कि नटेला ड्रीम केक बनाकर तैयार किया है। इस रेसिपी में अगर आपको हेजलनट्स का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप हेजलनट्स को स्किप करके चॉप्ड कैश्यू ले सकते हैं। इस रेसिपी में हमने 5 इंच का ड्रीम केक टिन लिया है। अगर आप 7 इंच का टिन ले रहे हैं तो आपको पूरी रेसिपी को डबल करना है। ये देखिए दोस्तों पूरी तरीके से गार्निशिंग करने के बाद यहाँ पर हमारा फेरेरो रोसर यानी कि नटेला ड्रीम केक बनकर तैयार हो गया है। ड्रीम केक को सर्व करने से पहले आपको इसे रखना है 1 घंटे के लिए फ्रिज में। ड्रीम केक को आप फ्रिज में 4 से 5 दिन आसानी से रख सकते हैं। किसी के बर्थडे या फिर एनिवर्सरी पर भी आप इसको गिफ्ट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। ड्रीम केक क्लास की और भी बहुत सारी रेसिपियाँ मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करने वाली हूँ। आपको हमारी इस क्लास में अलग अलग यूनिक फ्लेवर में ड्रीम केक की रेसिपियाँ देखने को मिलेगी। ड्रीम केक की अगली रेसिपी के साथ मैं आपसे जल्दी ही मिलने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।